और अब बात करेंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया से दो दो हाथ करेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा टीम इंडिया का, और इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया की निगाहें ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ करने पर होंगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम जहां बड़ी उलटफेर का शिकार हुई है, अफगानिस्तान की टीम ने करारी हार थमाई है, ऑस्ट्रेलियन टीम को ना भूलने वाली हार थमाई है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी के लिए बेकरार होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम हर हाल में ये कोशिश करेगी कि इस पूरे टूर्नामेंट में वापसी की जाए। वहीं भारतीय टीम विजयी रथ पर सवार है, और देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जब सामने होती है तो भारतीय टीम की बाँछें वैसे भी खिल जाती हैं। और आज देखिए ये मुकाबला है, बेहद अहम मुकाबला है, इसके बाद संभवतः सेमीफाइनल टीम इंडिया खेलेगी, तो उससे पहले आज अपने मजबूती का आकलन टीम इंडिया कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और टीम इंडिया के लिए कह सकते हैं कि असली शुरुआत अब होने वाली है, आज असली इम्तिहान होगा, और इसके बाद फिर सेमीफाइनल में टीम इंडिया जब पहुंचती है तो सेमीफाइनल में देखना होगा किस तरीके से इस शुरुआत को कन्वर्ट करती है टीम इंडिया। लेकिन आज के मुकाबले पर निगाह सबकी टिकी रहेंगी। एक ओर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देना चाहेगी, तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी को बेकरार होगी। और अधिक जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश रंजन जी, वर्ल्ड कप में आज एक और अहम मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, सुपर 8 का आखिरी मुकाबला यह भारतीय टीम का। एक और भारतीय टीम सेमीफाइनल से पहले चाहेगी कि अपने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया जाए और सारी परिस्थितियों का आकलन किया जाए, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी को बेकरार होगी राकेश जी अफगानिस्तान से हारने के बाद। जब भारतीय टीम ये कोशिश तो आज कम से कम मुझे करते हुए नहीं दिखती कि वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को परखने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है कि भारतीय टीम फुल फ्लेज्ड ही उतरना चाहिए, क्योंकि आप चाहेंगे कि आप 3 जीत के साथ जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, और भारतीय टीम आज चाहेगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जो है वो सेमीफाइनल की अपनी बर्थ को सुरक्षित कर ले। क्योंकि अगर आप देखिए कि ये जो पुल है, जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी उसके बाद से पूरी तरह से खुल गया है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई टीम भी अब रिस्क लेने की स्थिति में है या अपने बेंच स्ट्रेंथ को परखने की स्थिति में है। अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया भी जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहा था तो मिचेल स्टार्क उस टीम में नहीं थे, तो मुझे लगता है कि अब आप ये गलती नहीं कर सकते, चूंकि छोटा फॉर्मेट है तो हर टीम जो है उतनी ही स्ट्रांग है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत जल्दी जल्दी तीनों मैच आपको खेलने पड़े हैं, ये बात सुपर 8 शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने कही भी थी कि मुकाबले बहुत जल्दी जल्दी हैं, तो ये एक परेशानी वाली बात होती है। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लोग इतने प्रोफेशनल हैं कि इस तरह की परिस्थिति से कैसे निपटना है वो हम जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम फुल प्लेस जाएगी और उसकी कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया को वो शिकस्त दे दे। क्योंकि देखिए नवीन, अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देती है और अफगानिस्तान जो है वो बांग्लादेश को पराजित कर देता है जी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप से बाहर हो जाएगा। तो टीम इंडिया भी चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रुप लेवल में ही बाहर हो जाए, क्योंकि आगे वो फिर फाइनल में आपको परेशान कर सकता है। तो ये मौका भारतीय टीम गंवाना नहीं चाहेगी, भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अच्छी बात ये है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ने पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी शुरुआत दी थी, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लौटा होगा। और खास बात देखिए, रन जो है रोहित शर्मा ने 23 के आसपास बनाए थे, 36-37 रन जो है वो विराट कोहली ने बनाए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि उससे पहले के मैचों में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जो थोड़े बहुत रन भी बना रहे थे तो वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो है जो रन आए हैं वो बड़े आराम से बने हैं, और ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई स्ट्रगल है। एक स्मूथ बैटिंग जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली है। देखिए, सूर्य कुमार यादव अपनी लय में है, ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन आ रहा है,
तो अब आप देखें कि जो आपके टॉप फाइव बैटर हैं, बल्कि छह आप शिवम दुबे को भी अब इंक्लूड कर सकते हैं जब उन्होंने जो है 230 प्लस के स्कोर कर दिए हैं। अमेरिका के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर बांग्लादेश के खिलाफ। तो जो टॉप छह बैटर हैं सभी के बल्ले से जो है वो रन अब आ चुका है। कंसर्न अभी भी मेरा सिर्फ इतना है कि जो रविंद्र जडेजा हैं वो अपनी लय में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन पर भी पूरा भरोसा है कि वो अपनी लय जरूर प्राप्त करेंगे। और गेंदबाजी में तो अभी भारतीय टीम का कोई जोड़ ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में अर्शदीप सिंह वहां पर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर की भूमिका में बहुत सफल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। और इसके अलावा स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप हमेशा विकेट के लिए जाते हैं, वो विकेट निकालते ही हैं। और अक्षर और जडेजा का काम ही है कंटेन करना, तो वो करने में वो सफल रहे। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही संतुलित टीम, बैलेंस्ड टीम है। और आपके पास अगर आप बेंच की तरफ देखें तो वहां भी ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप देखते हैं बाहर यशस्वी जायसवाल जो है वो बैठे हुए हैं, बाहर संजू सैमसन बैठे हुए हैं, तो जब आप उनको देखते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप देखते हैं कि सिराज बाहर बैठे हुए हैं तो वो आपको आत्मविश्वास देता है। तो टीम बहुत अच्छी चुनकर भारतीय टीम ने भेजी है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मुकाबला होगा दिलचस्प होगा। हाँ, ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है आज पूरा हमलावर आपको दिखेगा, आक्रामक क्रिकेट खेलने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है। क्योंकि अगर वो मुकाबला हारता है तो वो वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा उसके ऊपर मंडराने लगेगा, क्योंकि फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच में अगर अफगानिस्तान बाजी मारता है तो उसके लिए अवसर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया पूरे पंच के साथ आज प्रयास करेगा, लेकिन एक बात ये भी है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया दबाव में भी खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज वो हारता है तो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही जो एक रोचक, दिलचस्प और कांटे के मुकाबले की उम्मीद जो है वो मैं कर रहा हूं। दोनों टीमें तैयार है, क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, आप प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है वो देखने को मिलेगा। तो अगर जो क्रिकेट फैंस हैं मुझे लगता है इस मुकाबले को मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस मुकाबले को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आज क्वालिटी ऑफ बैटल की भी लड़ाई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के टीमों के बीच ये मुकाबला है, और बेहद कांटे की मुकाबले की उम्मीद, जैसा कि आपने बताया कि एक बेहद दिलचस्प और रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आक्रामक क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर ये मुकाबला हारती है तो फिर जैसा कि आपने बताया सेमीफाइनल से बाहर होने का जो खतरा है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मंडराता हुआ नजर आएंगे। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आज ये जो मुकाबला है बेहद अहम है, भारतीय टीम भी कोई मौका नहीं चूकना चाहेगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वापसी को पूरी तरीके से बेकरार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।